गाइज वेलकम टू बी एन यू फन द सेठ फैमिली व्लॉग्स। त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है और हमारे घर में हो रही है जोरों शोरों से तैयारियाँ। एंड आई बिलीव एंड होप कि आपके घर में भी तैयारियाँ खूब जोरों शोरों से चल रही होंगी। कल है करवा चौथ और आपको तो पता ही है करवा चौथ नॉर्थ इंडिया का बहुत बहुत मेजर फेस्टिवल है। सो करवा चौथ मैरिड लेडीज़ मनाती हैं। मतलब मैं शादी करके मुंबई में आई तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो गया, मेरे को तो कोई ऐसे फ्रेंड्स ही नहीं थे जो करवा चौथ मनाते हों, या ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं था। तो एक साल बहुत प्रॉब्लम हुआ, दो साल बहुत प्रॉब्लम हुआ, तीसरे साल से मैंने अपने इतने फ्रेंड्स बना लिए और ढूंढे कि कौन लोग हैं जो ऐसे व्रत रखते हैं। तो तब से ही मेरे घर पे करवा चौथ की पूजा हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है विद फुल एंथुजियाज्म। मेरे फ्रेंड्स आते हैं, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, पूजा भी करते हैं और आप देखिएगा कि कल क्या हम धमाल करने वाले हैं। आउटफिट मैं पहनने वाली हूँ लहंगा। कल आज से पहले मैंने कभी करवा चौथ पे लहंगा नहीं पहना है तो मैं पहली बार लहंगा पहनने वाली हूँ। मैं आपको अपना आउटफिट भी दिखाती हूँ। ये लहंगा है और लहंगे के साथ ये दुपट्टा है पीच कलर का। चलिए मार्केट चलते हैं मेरे साथ और जाके लेके आते हैं एसेसरीज जो मैं इसके साथ पहनूंगी। और इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो करवा चौथ की थाली है और जो सीव रहती है इसे चांद देखते हैं, आई एम गोइंग टू डिज़ाइन इट बाय माई सेल्फ। So let's go and get the things. तो फ्रेंड्स मैं मेहंदी लगवा के और एसेसरीज लेके आ गई हूँ, बहुत थक गई हूँ तो मेरी मेहंदी रास्ते में ड्राई हो गई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ अपने लहंगे के साथ। चुन्नी में साथ ले गई थी मैचिंग के लिए, मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरी मेहंदी देखो, मैंने ज़्यादा बड़े बड़े हाथ में लगाए क्योंकि फिर वो ड्राई होने में टाइम लगता है और घर आके फिर अनिका बहुत तंग करती है। इन लोगों के लिए भी कोन लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पता ही है मेरे को छोड़ेंगे नहीं कि आपने मेहंदी लगा ली हम रह गए, अभी अनन्या आएगी लगवाने के लिए। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे को, मैं ये लेके आई हूँ ये वाली बैंगल्स, ये मेरे आउटफिट बहुत मैच कर रही थी पीच कलर और ग्रे कलर का, तो मुझे जाते ही ये चूड़ा बहुत पसंद आ गया, आई जस्ट वेंट फॉर इट, मैंने ये चूड़ा खरीदा है। उसके साथ मुझे ये कलर्ड बैंगल्स भी बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने ये भी खरीदी हैं। ये मैं सुबह जो आउटफिट पहनूंगी उसके साथ पहनूंगी क्योंकि मैं हमेशा करवा चौथ पे दो आउटफिट्स चेंज करती हूँ, एक मॉर्निंग में सर्दी का भी मेरा न्यू आउटफिट होता है और फिर पूजा में भी, तो मैं जो भी हैवी ड्रेस पहनना होता है वो पहनती हूँ। तो मैं लहंगा पहनने वाली हूँ कल, मैंने आपको बता दिया है। सो और ये देखो मैं कितना बड़ा, मैं इस बॉक्स में बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ। सो लेट्स सी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, आई शो यू, इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल इयर रिंग्स, मुझे बहुत पसंद आए थे और बिल्कुल पीच कलर के हैं। दिस इज़ अ माम टिका, आई नो इट्स लिटिल बिग बट मुझे बहुत पसंद आया था। हाउ इज़ इट, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, ये मैंने लिया। मुझे ये वाले इयर रिंग्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने इसलिए ये भी ले लिए। तो रजत जी इसीलिए मेरे से बोल रहे हैं कि कुछ रह जाता तो वो भी ले लेती। फिर मेरे को मैचिंग की नेल पेंट, मैं करवा चौथ पे हर चीज़ नई खरीदती हूँ, मैं पुरानी चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करती, तो दिस इज़ माय नेल पेंट अबाउट द लिपस्टिक एज वेल, सेम शेड। लिप लाइनर, बिंदी का पत्ता, दिस इज हाइलाइटर,
उनको हाईलाइटर लेना था अपने लिए, तो मैंने हाईलाइटर ले लिया, वो वैसे भी लेना था। आई रियली लव दिस क्लिप्स, मुझे बहुत पसंद आए सीजर वाले। तो जबान जब इतनी तेज़ चलती है तो इस टाइप के क्लिप्स पहनने चाहिए। सो ऐसा करके कुछ आई एम गोइंग टू पुट इट लाइक दिस, तो कल लगाएंगे तो देखेंगे कैसा लगता है। अभी फ़िलहाल मैंने ये मैंने बाय कर लिया है, और मैंने ये एंकलेट्स भी खरीदी है अपने लिए फॉर अ चेंज। मैं बिल्कुल भी ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, सब चीज़ें नहीं करती, बट करवा चौथ पे मुझे सब कुछ करना होता है, तो मैं सब कुछ बाय करती हूँ। और फिर जब जाऊँगी तो बच्चों के लिए डालूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने ये अनिका और अनन्या के लिए दो हेबन्स लिए हैं, और रबर बैंड्स भी लिए हैं दोनों के लिए। रिमूवर ये भी नहीं, कोई चीज़ पुराने नहीं चाहिए मुझे। सो फ्रेंड्स, मैं लगाने वाली हूँ अनन्या को मेहंदी, क्योंकि अब मैं मार्केट से आ गई हूँ और मेहंदी भी थोड़ी सूख गई है। अनन्या ने मेरी मेहंदी देख ली और बहुत रो रही है, और मुझे पता था ऐसा होगा। इसके लिए मैं कोन लेकर आई हूँ उसके लिए, अब उसको मेहंदी लगाऊंगी। मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है बिल्कुल भी, बट बच्चों को तो लगा ही सकते हैं, तो बस वही बात है। आप भी देखिए कि मैं क्या डिज़ाइन बनाने वाली हूँ वहाँ पर। फ्रेंड्स ये कह रही है फुट पे भी लगाओ इसको, देखो जरा। मैंने अपने फुट पे लगवाई नहीं, इसको पहले लगानी है, देखो लगा दिया। रुचि मान पे भी लगा दी, रुचि मान मतलब दूसरे फुट पे भी लगाओ। अमेरिकन अब दिखा दिखा में आ गया है पिज्ज़ा, और आज पिज़्ज़ा ही खाने वाली हूँ। तो वो टिपिकल जो मीम्स चलते हैं ना करवा चौथ पे, मैं सब तैयारियाँ कर करके थक गई, तो मेरे पे वो बिल्कुल सही ऐप बैठता है, मैं सब शॉपिंग कर करके थक गई, और अब डिनर में पिज़्ज़ा होगा, बच्चे भी खुश हैं पिज़्ज़ा खाएंगे। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं हम लोग सुबह सुबह, मम्मी और मैं सर्दी करेंगे, और आपसे तभी सर्दी के टाइम पर मिलते हैं। बाय बाय। तो हमने यहाँ पर तीन प्लेट्स बनाई है, एक मेरी प्लेट है, एक मम्मी की प्लेट है, और एक प्लेट मम्मी शैम्पू मंदिर की जाएगी, एक प्लेट शैम्पू मंदिर की जाएगी। हम एक्स्ट्रा बनाते हैं हर बार, और अभी हम लोग फटाफट से खा लेते हैं वरना दिन हो जाएगा। मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स अब सर्गी हो गई है, और मम्मी तो थोड़ा रेस्ट करने चली गई, और मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। अब सोऊंगी और फिर थोड़ी देर बाद उठूंगी, और फिर रेडी करूंगी सामान शाम की पूजा के लिए, सब तैयारी करूंगी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं पूजा और बहुत सारी मस्ती। तो बने रहिए हमारे साथ और पूरा ब्लॉग देखिए। तो जब मैं सोकर उठी तो देखा घर में भैया सफाई कर रहे थे, गाड़ी की सफाइयाँ हो रही हैं घर में, और यहाँ पर ये रजत जी क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हैं। और खाना खाओ आप भी। खाना क्यों खा रहे हो मेरा ब्रदर, तुम भी मत खाओ। मैं क्यों नहीं खाना खाऊं भाई, मुझे तो भूख लग रही है, तो मैं खाना खा रहा हूं। देखो आप भी खा लो। ये कभी भी ना किसी भी करवा चौथ पे ऐसे नहीं होता कि भूखे रह जाए। मैंने देखे बहुत सारे लोगों के हस्बैंड ना भूखे रहते हैं, मेरे हस्बैंड तो कभी भूखे नहीं रहते। मुझे तो भूख लग रही है। मुझसे भी झगड़ा करते हैं, मुझसे भी झगड़ा करते हैं कि तुम भी व्रत मत रखो। बिल्कुल। गिफ्ट भी नहीं लाते, गिफ्ट क्यों लाते हो? गिफ्ट मिल जाएगा, नेक्स्ट संडे शॉपिंग भी चलेंगे। सो फ्रेंड्स मेरा गिफ्ट पेंडिंग है, क्योंकि मेरी वैक्सीनेशन हुई थी कोरोना की सेकेंड वाली, अभी हम दोनों ने सेकेंड डोज ले ली है। तो हम लोग मॉल जाने वाले हैं संडे को, और मेरा करवा चौथ का गिफ्ट ड्यू है, मैं अपनी मर्जी का गिफ्ट लेती हूँ। मैं इनको बोल रहा था, इनको पता है कि ये अगर लेके दे देंगे तो मैं तो बोलूँगी क्या लेके दो। फ्रेंड्स इन्होंने कंफर्म कर दिया संडे को मुझे करवा चौथ का गिफ्ट देंगे। इस संडे हमारे घर में ज़रा दिवाली की सफाई भी चल रही है, तो अभी कहीं जाना पॉसिबल नहीं, और पूरा भी के बहुत बिजी रहते हैं। तो नेक्स्ट संडे हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। श्योर ना? ठीक है। मैं अब करने वाली हूँ मेकअप, तो लेट्स बिगिन विद इट।
नॉट प्रो इन मेकअप बट थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। हाँ, अनिका को भी मेकअप करना है। I'm beginning with moisturizer. Makeup. So, I'm putting now concealer. आने वाले हैं। आई एम जस्ट एक्साइटेड टू बी विद देम। प्लीज करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम, हैव अ सीट हियर, बैठो बैठो। सो रिद्धि फ्रेंड्स, ये रिद्धि है और ये स्पेशली हमको हमारा मोरल बूस्ट करने के लिए आती है। ये करवा चौथ नहीं करती है। दैट्स वेरी नाइस रिद्धि, चलो। सो दिस इज सुनीता, हाय, हैप्पी करवा चौथ। Hi, this is Timma. Happy Karwa Chauth to you all. Yeah. Ajo, ajo, ajo. How are you? Hi, good, good, good. Ajo. चांद देखने के लिए पापा जी अभी वेट कर रहे हैं, कह रहे 3 बॉल्स बाकी हैं, इंडिया जीत जाएगी। तो अभी हम जस्ट सुनी का वेट कर रहे हैं और फिर मिलते हैं आपसे वहीं पर टेरेस पे। दूर खड़ा खड़ा का तो जाने संगी वे, मैं मेरे मापिया तेरे न मंगी वे, खड़ा खड़ा का तो जाना संगी वे, मैं मेरे मापे आ तेरे ना मंगी वे, तू मुंडिया च मोरी मैं भी कुड़िया च टोरी, वे तू मुंडिया च मोरी मैं भी कुड़िया च टोरी, आ जा बोलियां पाइए आड़े आड़ के वे लै जट्टा खिच सेल्फी। दाल मखनी, तंदूरी पराठे, राइस बनाए, हमारा यही रिवाज है कि हम दाल मखनी बनाते हैं। आजकल अगले साल देखेंगे क्या रिवाज चेंज करते हैं। चेंज भी करने वाले हो? बिल्कुल। क्या बात है, मेरा बेटा कह रहा है थोड़ा सा चेंज करो। तो भाई दाल मखनी से अब क्या होता है ये तो मम्मी बताएंगे, क्योंकि मम्मी से बताएंगे ना जो बनाएंगे। अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना।